अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सऊदी राज परिवार की हुकूमत ने मदीने शहर में ही 26 सिनेमा हॉल और थिएटर खोलने की अनुमति देने की जानकारी दिया। पाक शहर मदीना और मक्का दुनिया के हर मुसलमानों के दिल की धड़कन है। कायनात शान द रीजन ऑफ क्रिएशन रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पाक जमीन पे सो रहे हैं, उस पाक शहर मदीने को शैतान की घर आईएसआई की अड्डा बनाने की दुश्मनों की साजिश को मुनाफिक सऊदी राज परिवार की हुकूमत ने हकीकत बनाने जा रहे हैं। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर है मक्का और मदीना। तमाम महान सहाबी रसूल इन्हीं दो पाक शहर में अपनी अपनी कब्रगाह में शान से सो रहे हैं। दुश्मन इस्लाम और यहूदियों की एजेंट सऊदी राज परिवार की हुकूमत खासकर मोहम्मद बिन सलमान मदीने शहर को आईएसआई की अड्डा और शैतान की घर बनाने की फुल प्रूफ प्लान तैयार कर चुके हैं। इस प्लान की ऑफिशियल घोषणा भी कर चुके हैं। सऊदी अरब राज परिवार की यहूदी गुलाम वर्तमान युवराज मोहम्मद बिन सलमान मुनाफी की फितरत की गुलाम है। सऊदी अरब के साथ साथ अरब मुल्क की छोटे छोटे राजघराना यहूदी और ब्रिटेन के साथ मिलके 1918 में मुस्लिम खिलाफत से गद्दारी किया और मुस्लिम खिलाफत को पहली विश्व युद्ध में पराजित किया। खिलाफत खत्म हो गया, मुस्लिम दुनिया को तबाह करके टुकड़े टुकड़ों में बिखर दिया। सऊदी राज परिवार की गद्दारी के इनाम में मिला है ये हुकूमत अरबिया। यहूदी समुदाय के गुलाम मुनाफिक सऊदी राज परिवार पाक शहर मदीने और मक्के में अब सिनेमा हॉल थिएटर बनाने की गंदे मंसूबे की इजाजत दिया है। सिर्फ मदीने शहर में ही 26 सिनेमा हॉल बनाया जा रहा है। आज सिनेमा हॉल बना रहा है, कल शराब बेचेगा, बार खोलेगा और नंगा नाच नचवाएगा। मदीने के आसपास की तमाम पाक जमीन इस्लाम की मिल्कियत है। इस्लाम की वजूद इतिहास स्थापना मुस्लिम दुनिया की मिल्कियत है। मुनाफिक यहूदियों की गुलाम सऊदी राज परिवार की बाप की जागीर नहीं है ये। इस्लामी दुनिया की वजूद हिजाज प्रांत की मदीना मक्का ताइफ खैबर मिल्कियत इस्लाम है। सऊदी राज परिवार की मुनाफी की हरकत को दुनिया जानती है। हर वो शख्स को जान से मार दिया जो भी शख्स सऊदी राज परिवार की कमीनापन मुनाफी की हरकत और इस्लाम की तबाही के खिलाफ आवाज उठाया। मदीने की जर्नलिस्ट जमाल खासोगी और उनके परिवार की बर्बादी की कहानी अभी ताजा उदाहरण है। अरब भूमि महान बहादुर इस्लामी सहाबियों की खानदान की देश है। मोहम्मद बिन सलमान जैसा आधुनिक यजीद या अबू जहल अरब भूमि की भाग्य विधाता नहीं है। अरब भूमि के साथ साथ अरब दुनिया की जनमानव की तकदीर कुछ इस्लाम के गद्दार दलालों के हाथ में नहीं रह सकता। अरब भूमि की तकदीर अरब की जनता के हाथ में रहना चाहिए, अरब की बेटियों के हाथ में होना चाहिए। अरब स्प्रिंग अरब बसंत को कुचल के लोगों के हक को दबा दिया गया। जब तक अरब भूमि में गणतंत्र कायम नहीं होगा तब तक आधुनिक समाज में यजीद और अबू जहल के रूप में मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद जैसा काफिर मुनाफिक पैदा होता रहेगा। खलीफा राशिदीन और मुसलमानों की लाखों कुर्बानी से सुविशाल अखंड अरब भूमि एकत्रित करके इस्लामी हुकूमत कायम किया गया था। अरब भूमि के मुसलमानों याद रखो, तुम्हारी पूर्वज ही वो तमाम महान सहाबी रसूल है जिनकी कुर्बानी की बदौलत अखंड अरब भूमि एक इस्लामी मुल्क में तब्दील हुआ था। अतीत की इस्लामी मुजाहिदों की बनाया हुआ इस्लामिक गणतंत्र की अखंड यूनाइटेड अरब भूमि को यहूदी दलालों से आजाद करने की जिम्मेदारी आज की अरब जनता की है। इस्लाम की दौलत निशानी मक्का और मदीने को बचाने की लड़ाई में 200 करोड़ मुसलमानों की दुआ तुम्हारे साथ है। पाक शहर मक्का और मदीने की जर्रे जर्रे में कुफरी कल्चर नाच गान सिनेमा थिएटर और शराब की गढ़ बनाने की यहूदी साजिश को हकीकत बनाने वाला यहूदी एजेंट मोहम्मद बिन सलमान और उसकी साथियों के हाथ से अरब भूखंड की हिफाजत छीन के अरब जनता के हाथ में आने की वक्त आ गया। मदीने को शैतान की घर बनने से रोको। ओ मुसलमान, आज मदीने की पाक जमीन पे 26 सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत देने से सऊदी राज परिवार ने साबित कर दिया कि वो राज परिवार इस्लाम की दुश्मन है। 200 करोड़ मुसलमानों की रहते हुए पाक शहर मदीना आईएसआई के अड्डा नहीं बन सकते। दुनिया भर की इस्लामिक स्कॉलर्स बुद्धिजीवियों ने अपना आवाज उठाया। वो मुसलमान, आज तुम्हारी आवाज की बारी है। कमेंट के जरिए आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरे मुसलमानों को देखने में सहायता करें।